चैनल, दिस इज यशी गुप्ता, योर कोच एंड ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तीन आसान तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला तरीका है चैलेंजिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, जैसे कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं खुश नहीं हूं, मैंने अगर कुछ भी नया शुरू किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह, इन चीजों को आपको चैलेंज करना है गाइस। चैलेंज करने से मतलब है धीरे धीरे चैलेंज करना है, और उसका सही समय होता है रात में सोने से जस्ट पहले। याद रखिएगा, रात में सोने से जस्ट पहले, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव स्टेट में होता है, और अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेगा। तो याद रखिएगा, सोने से जस्ट पहले आपको अपने सबकॉन्शियस से रोज बातें करनी है। आपने सुना होगा टॉकिंग टू पिलो, मतलब रात को अगर आप अपने तकिये को बोल के सोएंगे तो सुबह वो आपको उठा देगा। तो उठाता तकिया नहीं है, आप उठाते हैं अपने आप को, यानी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। दूसरा तरीका है सेटिंग योर गोल्स क्लियरली। का मतलब हुआ आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल रखिए। ऐसा नहीं कि गोल्स इतना बड़ा लगे कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाए। जैसे कि अगर मुझे कुछ रियलिस्टिक गोल्स के बारे में बताना हो तो वो होगा कि एक साल में मैं क्या अचीव करूंगा, अगले 3 महीने में मुझे अपना वेट 5 से 6 केजी कम करना है, मुझे पढ़ाई की इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। तो ये गोल रियलिस्टिक लगते हैं, आपका ब्रेन इसको रजिस्टर कर पाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इसको बिलीव करेगा। फिर अगर जब आपका गोल आपने बना लिया हो, क्लैरिटी सेट कर ली हो, तो आप उसको फॉर्म दे सकते हैं, या तो रिटन फॉर्म या तो इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। रिटन फॉर्म को आप पैशन कार्ड बना सकते हैं और विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें पिक्चर्स होते हैं। सो पैशन कार्ड मेरे लिए काम करता है, जिसमें मैं अपने गोल्स को क्लियरली लिखती हूँ। मेरे पास एक पैशन कार्ड है, क्वाइट विजिबल नहीं है, मैंने इसको काफी पहले बनाया था, तो आप इसकी डेट को देख सकते हैं अगर ये विजिबल हो। यशी गुप्ता मेरा नाम यहाँ लिखा है और ये है डेट जो है 2018। तो मैंने इसको 2018 में बनाया था, और विजन बोर्ड भी आप बना सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए काम करता है। तो पैशन कार्ड और विजन बोर्ड हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो जब भी आपका पैशन कार्ड और विजन बोर्ड बन गया तो आप इसको वैसी जगहों पे स्टिक कर सकते हैं जहां आप रोज जाते हो, जैसे कि अलमीरे के पास, आपके फ्रिज के पास, आपके वर्क स्टेशन पे। तो इस तरीके से आप उन गोल्स को रोज देखेंगे और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन विल फाइंड वेज टू अचीव इट। और तीसरा और आखिरी तरीका है मूविंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। याद रखिएगा गाइज, मूविंग आउट ऑफ कम्फर्ट जोन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को बिल्कुल चैलेंज करने वाला तरीका है, क्योंकि कम्फर्ट जोन यानी हैबिट जोन है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको आपकी तरीकों को बदलने नहीं देगा। तो मूविंग आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। एफर्ट मतलब जैसे कि अगर आपको कोई हैबिट फॉर्म करनी है तो आपको उसको रोज करना पड़ेगा। आपने सुना होगा 21 डेज साइकिल के बारे में, तो 21 डेज तक आपको कोई हैबिट बनानी है तो आपको उसको रेगुलरली करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका, जैसे मैं यही चीजें करता हूँ, मैं यही खाना खाता हूँ, मैं यही रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं यही गाना सुनूंगा, ये सब कुछ चीजें होती हैं जो आप रोज करते हैं और वैसे ही करना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ नया अचीव करना है तो आपको इन चीजों को हटाना होगा, इन चीजों की साइकिल बदलनी होगी। वंस यू आर डूइंग दिस, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो नई आदतों को धीरे धीरे रजिस्टर करता है और पुरानी चीजों को रिप्लेस करते चला जाता है, और फिर आप वो सब कर पाते हैं जो आप करना चाहते थे। तो गाइज, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे ट्यून रहिए, बिकॉज मैं आपको बताऊंगी कि पैशन कार्ड और विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, बाय बाय।